पश्चिमी यूपी में भाजपा से नाराज हैं क्षत्रिय समाज, डैमेज कंट्रोल में जुटे सीएम योगी पंकज सिंह भी उतरे मैदान में। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होगी, जिसमें कैराना, मुजफ्फरनगर और रामपुर समेत यूपी के कुल 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं। चुनावी वेला में क्षत्रिय समाज का बढ़ते हुए ताप ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज भाजपा से कुछ असंतुष्ट है। अब सीएम ने खुद मोर्चा संभाला है। चुनावी वेला में क्षत्रिय समाज का बढ़ता ताप और दूसरी तरफ से आदित्यनाथ की क्षत्रिय बहुल क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं, ये कोई संयोग नहीं बल्कि चुनावी मजबूरियों का साइड इफेक्ट है। ठाकुर वोटों की दिशा तय करने के लिए भाजपा तर्कश के सभी भावनात्मक तीर चला चुकी है, लेकिन 16 अप्रैल को ठाकुर 24 के खेड़ा में क्षत्रिय समाज ने पंचायत कर भाजपा को प्राण जाए पर वचन न जाए का संदेश देने का प्रयास किया। 18 अप्रैल को सीएम योगी मेरठ के क्षत्रिय बहुल गांव सिसौली और गाजियाबाद के धोलाना में जनसभा कर मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। उधर भाजपा के राज्यसभा सदस्य विजयपाल तोमर और नोएडा विधायक पंकज सिंह को मेरठ के 3 ठाकुर बहुल गांव में डेरा डालकर तपिश खत्म करने को कहा गया है। प्रेशर पॉलिटिक्स या जातीय टकराव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार मुद्दों की जगह सत्ता और दल में जातीय भागीदारी की जंग ने ले ली है। लोकसभा के लिए टिकट बंटवारे के दौरान क्षत्रिय आक्रोश की जमीन तैयार हुई। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को टिकट देने के साथ क्षत्रिय समाज ने विरोध पंचायतों का आयोजन शुरू किया। सरगना के पूर्व विधायक संगीत सोम और मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बयानों के तीर चलने से राजनीतिक परिस्थितियां लगातार तल्ख होती गयी। सीएम का सम्मान लेकिन हट भी कायम। 31 मार्च को मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद सीएम योगी ने बालियान और सोम को साथ बिठाया। 10 मार्च को 24 के राधरना गांव में मुख्यमंत्री ने जनसभा कर दोनों को अपने अगल बगल बिठाया। हालांकि जनसभा में योगी फिर बीच बीच में सोम जिंदाबाद और बालियान के विरोध में हुई नारेबाजी ने साफ कर दिया कि रिश्तों की कड़वाहट में मिठास की गुंजाइश न्यूनतम रह गई है। थोड़ी देर बाद सोम के बालियान पर दिए गए बयान ने राजनीतिक दुश्मनी को निजी बना दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।